बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी श्रद्धा पांडे। आईपीएल साल 2023 का मुकाबला नंबर 35 खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आपको बता दे, एक तरफ गुजरात है, गुज्जूज हैं हमारे, गुज्जूज जो है पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, लखनऊ को पछाड़ कर आ रहे हैं, केएल राहुल का करियर खत्म कर आ रही है गुजरात की टीम, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई है, रोहित शर्मा को देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा अलग करे कि जीते, क्योंकि पिछला मुकाबला मुंबई जो है जीत कर नहीं बल्कि हार कर आ रही है, पंजाब से हार कर आ रही है। बड़ी शर्मनाक हार थी, क्योंकि लास्ट तक लग रहा था कि मुंबई जीत गई, लेकिन अर्शदीप ने ऐसा होने नहीं दिया उनके इरादों में और हर जगह पे पानी फेर दिया, मिनरल वाटर जो है अर्शदीप ने फेर दिया था। तो मुंबई हार के साथ आ रही है, गुजरात जीत के साथ आ रही है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, जीतना, इस मैदान में जीतना। लेकिन मैदान में जीतेंगे तो तब ना भैया जब इंद्र देवता कहेंगे कि खेलो। अगर इंद्र देवता ने रुकावट पैदा कर दी तब क्या होगा, अगर बारिश आ गई तब क्या होगा। तो इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली बारिश आएगी या नहीं आएगी, कितना तापमान रहेगा, गर्मी कितनी रहेगी, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, इंद्र देवता क्या 40 ओवर का मुकाबला कराने के लिए मान जाएंगे या नहीं मानेंगे। तो इसलिए इस दिन की आपको वेदर रिपोर्ट बताते हैं कि गुजरात बनाम मुंबई के बीच में मुकाबला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जान लेते हैं इस दिन की वेदर रिपोर्ट। देखिए, खेल के घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के साथ अधिकांश रूप से बादल छाए रहने वाला दिन 28 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। दिन भर बारिश की कोई संभावना नहीं है, खुशियां मनाई है, बारिश की संभावना गुजरात में अहमदाबाद में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मंगलवार के मैच में मौसम के खराब होने की संभावना नहीं है। तो देखा आपने, मौसम में बादल छाए जरूर रहेंगे, ठीक है माना, लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक अच्छी चीज़ ये है, ऊपर से यार थोड़ी सी गर्मी जरूर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ये वाला जो टाइम है ना भैया, मार्च अप्रैल वाला जो टाइम है, बहुत ही गंदी और बहुत ही सड़ी हुई गर्मी जो है पड़ती है हर जगह ही, भारत के अलग अलग कोनों में, और अहमदाबाद खासकर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। इसीलिए पानी जरूर निकलेगा, लेकिन वो पानी गुजरात और मुंबई की मेहनत का पानी होगा, मेहनत का पसीना होगा। आपको इंद्र देवता पानी बरसाते हुए नजर नहीं आएंगे। तो खुशियां मनाइए, बारिश के कोई आसार नहीं, गर्मी जरूर रहेगी। और कमेंट्स करके अपनी राय बताइए, किस मुकाबले में गुजरात बाजी मार सकती है, या मुंबई आपको लग रहा है कि मुंबई जो है इस मुकाबले में बाजी मार सकती है, क्योंकि मुंबई की बॉलिंग जो है थोड़ी सी वीक है एज कंपेयर टू गुजरात। गुजरात की बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रांग है मुंबई के साथ, बट मुंबई जो है पिछले मुकाबले में आपको याद होगा कि मुंबई ने बॉलिंग वीक होने के बावजूद भी बस जीत ही गई थी, वो तो अर्शदीप आ गए तो बिल्कुल काम खराब हो गया। तो आप प्रेडिक्ट कीजिए कि इस मुकाबले में आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, मुंबई या फिर गुजरात, जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।